सबको जय एमसी की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय एमसी की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय एमसी की। एक बच्चा जब पैदा होता है मेरे प्रियो, तो उसका मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि वो पैदा हुए, खाए पिए और इस दुनिया से चला जाए। एक बच्चे का मकसद होता है कि वो जिंदगी में कुछ बने। आप जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा पवित्र आत्मा पाते हैं, तो आपका पर्पस सिर्फ यही नहीं कि आपने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया और आप सिंपली एक विश्वासी है। नहीं, आपने अपनी जिंदगी में कुछ स्पेशल करना है, कुछ खास करना है। बोलो आमीन। जितने नौजवान भाई हैं, बहनें हैं, आपने अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल करना है। परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ खास करें, चाहे वो बिजनेस की बात है, चाहे वो आपकी पारिवारिक बात है, चाहे आपकी मैरिज की चीज है, कुछ भी है, चाहे आपका प्रेयरफुल जीवन है, चाहे आपका आत्मिक जीवन है, लेकिन आपने अपने जीवन में कुछ खास करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपकी मदद करेगा। चर्च आए, चर्च आने से दुष्ट आत्माएं भागेंगी, सुपर नेचुरल डोर्स आपके लिए खुलेंगे और परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देगा। बोलो आमीन। इसलिए आज परमेश्वर कहता है, मेरी आवाज को सुनो, हियरिंग माई वॉइस, मेरी आवाज को सुनो। परमेश्वर की आवाज को सुनना है आपने, और परमेश्वर की आवाज तरह तरह से आपके साथ बात करती है। कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर अपनी आवाज दे रहा है और कह रहा है कि तुम लोगों ने जिंदगी में कुछ करना है। असल में क्या होता है कि आपके लिए परमेश्वर ने कुछ बड़ा सोचा होता है, लेकिन आप थोड़े में ही संतुष्ट रहते हैं। परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ी होती है, आपके अंदर एक टैलेंट, एक कैपेबिलिटी होती है, लेकिन आप उसे नहीं समझ पाते हैं। जैसे एक हीरे को सिर्फ एक जौहरी ही तराशता है, इसी तरह से परमेश्वर जानता है कि आपके अंदर क्या है। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको यूज कर सकता है, आपको इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर आपको अलग अलग तरीके से यूज, इस्तेमाल करके अपनी महिमा बढ़ा सकता है। लेकिन आपने मेरे प्रियो इस चीज को याद रखना है, इस चीज को समझना है कि परमेश्वर की आवाज आपको कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। उसकी आवाज के लिए हमेशा तैयार रहना है। बोलो आमीन। याद रखें, परमेश्वर की आवाज जब आती है तो आपकी डेस्टिनी को बदलती है, आपके हालात को बदलती है, आपके जीवन को बदलती है। इस चर्च में कई बार मैं लोगों के लिए प्रोफेसी करता हूं, कई बहनों को मैं खड़े कर लेता हूं, भाइयों को खड़े करके उनके लिए प्रोफेसी करता हूं। वो प्रोफेसी अगर मैं करूं तो वो झूठी हो सकती है, अगर परमेश्वर का आत्मा करे तो वो 100% सच्ची होती। परमेश्वर आपको आवाज देता है, किसी की लाइफ के बारे में प्रभु उनको सब कुछ बता देता है, तुम्हारी जिंदगी में यह प्रॉब्लम चल रही है, यह कंफर्मेशन है, यह एक आपके लिए कंफर्मेशन, एक समझने वाली चीज है कि आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है। मैंने अब जो अपोस्टल जी ने, प्रभु के दास ने मेरे लिए बोला, अब मैंने उसको समझना है और उसके ऊपर चलना है। अगर किसी को परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी, प्रोफेसी दी, भाई को खड़ा किया, भाई को बोला तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये तेरा नाम है, तेरे घर में इन इन लोगों का नाम है, ये तेरे साथ हो रहा है, तू ये कर रहा है, ये परमेश्वर की आवाज है। और उसे सुनने के बाद चादर ओढ़ के सोना नहीं है, बल्कि अपने आप को और सुधारना है, अपने आप को और तैयार करना है कि जो परमेश्वर ने मुझे कहा है, मुझे उसे अपने जीवन में लागू करना है, पूरा करना है, ताकि आप अपने घरों के श्रापों को तोड़ सको, कर्ज के, गरीबी के, बीमारी के, गुस्से के, नशे के,
डिस्टर्बेंस के शरापों को तोड़ सको। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमेन। परमेश्वर ने किसी भाई के लिए भविष्यवाणी करके कहा कि तू कनाडा जाएगा या तू अमेरिका जाएगा या तू एक सेवक बनेगा, तू प्रभु का वचन सुनाएगा। अब भविष्यवाणी के बाद उस भाई ने अपने जीवन में उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए सोचना, मैं कैसे उसे लागू करूं, कैसे उसे पूरा करूं। अगर किसी बहन को परमेश्वर के आत्मा ने आवाज दी है कि बहन तेरी लाइफ सेट होगी, तेरा घर अच्छा होगा, परमेश्वर चाहता है कि तू 100 गुना आशीष पाए और तेरा घराना बरकत पाए, लेकिन तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, उसे दूर कर, तेरे घर में ये हो रहा है। ये कंफर्मेशन के बाद उस बहन को चाहिए कि उस वर्ड को, उस वचन को अपने जीवन में लागू करे। प्रभु के दास ने बोला है कि प्रभु मुझे ये वाली जॉब देगा तो आपने उसके लिए सर्च करना है, उसके लिए ढूंढना है। परमेश्वर एग्जैक्टली आपके लिए वैसा ही करेगा। जोर से बोलो आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको बोला है, किसी बहन को प्रभु ने अगर प्रोफेटिकली, सपोज करो कोई बहन या उसके परिवार में लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, ऐसी खतरनाक गरीबी है कि आपके घर में खाना बनना भी मुश्किल हो चुका है, कर्ज बहुत ज्यादा है, गरीबी ज्यादा, और परमेश्वर के आत्मा ने आपको प्रोफेटिक वर्ड दे दिया, किसी बहन को खड़ा करके प्रभु ने उसको बोला कि देख मेरी बहन, परमेश्वर तुझे बाहर के देश में लेकर जाने वाला है, और वो सोच रही मेरी जेब में तो 5 रुपए नहीं, मैं बाहर कैसे जाऊंगी, लेकिन ये प्रोफेसी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में जुड़ेगी और आपने उस प्रोफेसी को समझना है। जोर से बोलो हालेलुया। सुनो, मैं आपके लिए जब प्रोफेसी करता हूं ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं ऐसे लोगों का विश्वास देखता हूं जो लोग कहते हैं कि अपोस्टल जी हमें सिर्फ अपने साथ 1 घंटा रहने दो। उनका ऐसा विश्वास है कि प्रभु के दास के साथ रहेंगे तो उनकी ब्लेसिंग, उनकी अनॉइंटिंग, जो पहरा उनके ऊपर रहता है वो हमारे ऊपर भी आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो लोगों को नहीं पता। जोर से बोलो आमीन। सपोज करो अगर मैं पास्टर बेनी हिन के पास चला जाऊं और मैं 1 दिन पास्टर बेनी हिन के साथ रहूं, पास्टर बेनी हिन का अभिषेक मेरे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं अगर किसी ब्लैक पास्टर के पास, अगर मैं किसी और व्यक्ति के पास चला जाऊं, उसका अभिषेक मेरे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी शराबी के पास जाएंगे, उसका गलत स्वभाव, उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी चोर, डाकू, मर्डर ऐसे व्यक्ति के पास रहेंगे तो उसका स्वभाव, उसका नेचर आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आप जिस तरह के व्यक्ति के साथ रहते हैं वैसा नेचर, एटीट्यूड, वैसी ब्लेसिंग आपके ऊपर आती है। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। अगर मान लो आपको किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ छोड़ दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को जिसको पॉलिटिशियन की बहुत नॉलेज होती है, आप 1 हफ्ता उसके साथ रहेंगे, वापस आएंगे, आप कहेंगे हाँ मैं अब बहुत तैयार हो चुका हूं, मेरी बातें, मेरी वर्ड डिलीवरी, मेरा बोलने का तरीका, मुझे राजनीति का बड़ा ज्ञान हो चुका। हालांकि आप राजनीतिक नहीं है, आप जिस तरह के व्यक्ति के साथ रहते हैं उस तरह का जीवन आपका होना स्टार्ट हो जाता है, उस तरह की बरकत आपके साथ आना स्टार्ट हो जाती। बोलो आमीन। सपोज करो एक व्यक्ति 10,000 रुपए महीने के कमाता है या 20,000 रुपए वो महीने के कमाता है, अगर उसको किसी करोड़पति बिजनेसमैन के साथ 6 महीने रहना पड़े तो वो इतना सीख जाएगा वो भी बिजनेसमैन बनने के लिए सोचेगा। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? इसी तरह से जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, चर्च आना नॉर्मल चीज ना समझो, ऐसा ना समझो चर्च बैठे हैं ठीक है जी, वर्शिप हो रही है, तालियां बजा रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं आपके अंदर कुछ तैयार हो रहा है, एक मैकेनिज्म आपके अंदर, एक एम्फसाइज, एक सुपरनेचुरल डेमोस्ट्रेशन आपके अंदर तैयार हो रहा है, एक बम्ब, एटम बम्ब आपके अंदर बन रहा है, और जिस दिन वो फटेगा ना आपकी पुश्तें बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। पवित्र लोगों की संगति करना बहुत ही
स्वाभाविक और बेनिफिशियल चीज है। इसको कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है, सिर्फ वही समझ सकता है जिसको इसके बारे में पता है। आपने जो अमीर अमीर लोग हैं उनको देखा होगा कि वो जो अभिषिक्त लोग होते हैं, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनको मिलना चाहते हैं। मेरे पास बड़े आते इस तरह के, कोई कहता है 1,00,000 ले लो मुझे मिलो, 2,00,000 ले लो अपोस्टल जी से मिला दो। ऐसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, 10,00,000 देने वाले लोग भी मुझे मिलना चाहते हैं, लेकिन जब तक प्रभु का आत्मा मेरे अंदर बात ना करे मैं किसी से नहीं मिलता। प्रभु का आत्मा मुझे कहे मैं किसी भी व्यक्ति से मिलूंगा, किसी भी व्यक्ति से, लेकिन जब प्रभु के आत्मा ने मेरे माइंड में, मेरी कॉन्शियस में मुझे कह दिया कि इसे नहीं मिलना है, तो वो चाहे 1,00,000 लेकर भी आए, नहीं। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर मैं इस व्यक्ति से मिलूंगा, सोच कर देखो इसकी उम्र अगर 40 साल की है, इसने कितनी प्रार्थना की होगी अपनी लाइफ में, कितना वचन इसके अंदर है, कितना अभिषेक इसके अंदर है। पता नहीं मैं किस विश्वास के साथ, किस फेथ के साथ इस व्यक्ति के पास जाऊंगा, मेरा पता नहीं कौन सा काम बन जाए, कौन सा मेरा बच्चा, मेरा घर का मेंबर, कौन सा उसकी लाइफ संवर जाए। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आज कलीसिया में यह स्वाभाविक और बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि लोगों को अनॉइंटिंग की कदर नहीं, परमेश्वर के दास के अभिषेक की कदर नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई जगहों पर मैं जब प्रार्थना करने के लिए, जब मीटिंग करने के लिए जाता हूं, मैं लोगों की तरफ ऐसे हाथ कर दूं, लोग गिर जाते हैं, सब के सब गिर जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं आप जैसे ही चर्च में आए हमने आपको देखा हम चंगे हो गए। आपने कई गवाहियां चर्च में इस तरह की सुनी, ये क्यों होता है? क्या ये कोई जादू है, ये कोई मैजिक है? नहीं, ये विश्वास है, ये फेथ है। और जब फेथ होता है और दूसरी तरफ अभिषेक होता है, विश्वास और अभिषेक जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो कोई पहाड़ खड़ा नहीं रह पाता है, यीशु मसीह के नाम में वो टूटता है। जोर से बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर की आवाज को समझना, आपने परमेश्वर की आवाज को आपने समझना है कलीसिया। प्रभु की आवाज जब आपको आएगी तो उसके लिए गंभीर हो जाना है। कई लोग सोचते हैं चल ठीक है मेरे लिए प्रोफेसी की, चल देखांगे जो पूरी होएगी कोई गल नहीं। लाइट लेते हैं, बहुत लाइट लेते हैं, लो लाइट जितना ले सकते हैं, लो लाइट। आप जितना उस प्रोफेसी को लाइट लोगे, लाइट ही रहेगा, लाइट ही रहेगा, मैं सच बोल रहा हूं। और जितना आप उसके लिए गंभीर होंगे वो उतनी गंभीरता से काम करेगी। चाहे वो बेबी ब्लेसिंग के लिए हुई है, बिजनेस के लिए हुई है, चाहे वो आपके आत्मिक जीवन के लिए हुई है, जो भविष्यवाणी आपके लिए परमेश्वर ने की है स्टेज के ऊपर, जो डिक्लेरेशन आपके लिए हुई है, जिस गंभीरता से वो आपके लिए हुई, अगर आप गंभीरता के साथ उसे लेते हैं तो वो आपके जीवन में काम करेगी, नहीं तो वो काम नहीं करेगी। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। यूसुफ ने एक दर्शन देखा, एक सपना देखा। कितने लोगों ने यूसुफ की कहानी पढ़ी है? यूसुफ के घर में सारे लोग वरदान पाए हुए थे, उसके भाई भी। चाहे उसके भाई शल करने वाले थे, चाहे उसके भाई वरदान पाए हुए थे, लेकिन यूसुफ के दर्शन को वो समझते थे। आपको पता, जब यूसुफ को सपना आया तो बाइबल कहती है उसने अपने भाइयों को बताया। उसके भाइयों ने क्या बोला? क्या तू हम पर अधिकारी होगा, क्या तू हम पर राज्य करेगा? इसका मतलब कि यूसुफ के पास सपने देखने का वरदान था, तो उसके भाइयों के पास सपना समझने का भी वरदान था। क्या बोला उन्होंने? क्या तू हम पर अधिकारी होगा, तू हम पर राज्य करेगा? यह सपना यूसुफ के लिए एक प्रोफेसी थी, एक भविष्यवाणी थी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? यह सपना यूसुफ के लिए एक भविष्यवाणी थी मेरे प्रियो, और वो उस सपने पर, उस भविष्यवाणी पर खड़ा रहा। उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाला, क्या वो अपनी भविष्यवाणी से पीछे फिरा? मिस्र में उसको बेच दिया, क्या फिरा? पोती पर की वाइफ ने उस पर इल्जाम लगाया, क्या उसका विश्वास कम हुआ? उसे जेल में बंद करवा दिया गया, क्या उसका विश्वास कम हुआ? कई साल तक यूसुफ अपनी भविष्यवाणी, अपने सपने पर दर्शन रखे रहा, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे जेल से निकाला
और कई साल बाद उसकी उस प्रोफेसिक उस प्रोफेटिक विजन को ड्रीम को पूरा किया और वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। आज भी ऐसा होता है लेकिन हमारी क्षमता बहुत कम है, हमारा विश्वास बहुत कम है। शक हम ज्यादा करते हैं, विश्वास हम कम करते हैं। लेकिन जब प्रभु का दास परमेश्वर की आवाज आपको आती है तो आपने उस प्रोफेसी को रिसीव करना है। यह नहीं सोचना मेरे को घर है नहीं, मैं बहुत गरीब हां, मेरे को कपड़े नहीं हैं, मैं तो एवं ही हाँ, मेरा चेहरा नहीं चंगा, मेरे बाल नहीं चंगे, मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, मैनू पढ़ाई लिखाई नहीं आती, मैं तो पढ़िया लिखिया भी है नहीं हाँ, मैं ऐदा किदा हो सकता हाँ। सोचो सोचो, अगर यूसुफ के साथ हो सकता तो आपके साथ भी हो सकता है, अगर मेरे साथ हो सकता तो आपके साथ भी हो सकता है। आपने उस प्रोफेसी के लिए काम करना है, बोलो आमीन। उस प्रोफेसी के लिए आवाज जो परमेश्वर ने आपको दी उसके लिए काम करना है। यूसुफ ने काम किया उसके लिए। अगर बरकत पाना चाहते हो तो ऐसा करो तो होगा आपके लिए, इन जीसस माइटी नेम। उसने काम किया अपनी प्रोफेसी के ऊपर। कोई औरत इल्जाम लगा दे लेकिन वो खड़ा रहा, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं लेकिन गलत काम नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया लेकिन मैं अपने विश्वास से नहीं गिरूंगा। आज लोग अपने विश्वास से बहुत जल्दी गिर जाते हैं, लेकिन आपका फेथ ऐसा हो कोई चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करे। पौलुस क्या कहते हैं, ना रात ना दिन ना अंधेरी ना तूफान ना लोग यहां तक ना तलवार ना मौत भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। Nothing can separate us from the love of God. कोई चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करे, कलीसिया बोलो आमीन। तब देखना परमेश्वर किस तरह से आपके जीवन को बदलता है, किस तरह से आपके हालात आपके circumstances आपकी situations change होती है। परमेश्वर आपको promote करेगा, आपको bless करेगा, आपके घर की गरीबियां, आपके कर्ज, आपके सर्कमस्टांसेस किस तरह से चेंज होंगे, आपके लिए गुड न्यूज आएगी, आपके लिए बेटर होगा, आपके लिए अच्छा होगा, हर प्रोफेसी आपके जीवन में पूरी होगी, आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य, आपके घर का भविष्य कितना ब्लेस होगा। आप सोचोगे एक परमेश्वर दो करेगा, आप सोचोगे चार परमेश्वर आठ करेगा, हर चीज आपके फेवर में खड़ी होगी, आपके विरोधी आपको मारना चाहेंगे लेकिन परमेश्वर आपको बचाएगा, बीमारी आपका नाश करने के लिए आएगी लेकिन जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाओगे स्कैन में कुछ नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा। परमेश्वर ऐसे काम आपकी जिंदगी में करेगा, आपके पैसे में बरकत होगी, आपकी 500 रुपए की दिहाड़ी में बरकत होगी, आपकी 50,000 की जॉब में बरकत होगी। परमेश्वर आपके हालातों को चेंज करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके वीजे, आपके पासपोर्ट, हर चीज ब्लेस होना स्टार्ट हो जाएगी। नेगेटिविटी, शैतान, दुष्ट आत्माएं, डीमंस, जादू टोने, कोई चीज आपके ऊपर प्रभाव नहीं करेगी। परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। आप जिस स्थान पर खड़े होंगे, विरोधी 10 आए, 20 आए, 50 आए, लेकिन प्रभु आपके लिए पक्ष करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए आपने परमेश्वर की आवाज को सुनना है, जो प्रोफेसी जो प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने आपको दिया उस प्रोफेटिक वर्ड पर बिलीव रखना है। रात के समय परमेश्वर आपसे बात कर सकता है, वचन के द्वारा बात कर सकता है, अपने दास के द्वारा बात कर सकता है, चलते चलते परमेश्वर आपकी कॉन्शियस में बात कर सकता है, आपके आत्मा में बात कर सकता है। परमेश्वर के बात करने के अलग अलग तरीके हैं लेकिन डिपेंड करता कि आप उस आवाज को सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं, चलते हैं। अगर चलते हैं तो खुदावन चमत्कार पर चमत्कार, चमत्कार पर चमत्कार, गुड न्यूज पर गुड न्यूज, गुड न्यूज पर गुड न्यूज आपके हालातों को चेंज करेगा और बड़े काम आपकी लाइफ में होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर की आवाज को सुनो, परमेश्वर की आवाज को समझो। बाइबल में लिखा है नबियों ने परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा, उसने उसकी आवाज को सुना। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। एलिया ने, अलीशा ने, नहम्या ने, जकरिया ने, अजरिया ने, एस्तर ने, परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा, वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, जानवरों के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को इंस्ट्रक्ट किया, उनसे बात की। आज परमेश्वर आपसे बात करता है, एक बहन के लिए, एक भाई के लिए, एक बच्चे के लिए, एक बुजुर्ग के लिए, एक विदेशी के लिए, एक इंडियन के लिए, हर तरह की जाति के व्यक्ति के लिए परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर का पर्पस है, प्रभु की योजना है। परमेश्वर के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, आपके सर्कमस्टांसेस अलग हैं, लेकिन विश्वास करने वाले और उसकी आवाज सुनने वाले अपने जीवन को बदलता हुआ देखते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर की आवाज को कभी इग्नोर ना करें। जिन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को इग्नोर किया वो लोग आज भी वहीं पर हैं। रिक्शा चलाते थे वही चला रहे हैं, दिहाड़ी करते थे वही कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप सेम ना रहें, आपकी स्थिति बदले। आप लोग एम्प्लॉय से मैनेजर बने, मैनेजर से इंजीनियर बने, इंजीनियर से बिल्डर बने, बिल्डर से आप आर्किटेक्टर बने, ऊपर से ऊपर जाएं, ऊपर से ऊपर जाएं। डेमोन्स्ट्रेशंस, आपकी डायमेंशंस परमेश्वर चेंज करे। कितने लोग चाहते हैं बदलना, कितने लोग चाहते हैं अपने घर को ब्लेस करना। परमेश्वर का आत्मा करे 2022 आपके चेंज का साल होगा, आपके बदलाव का साल होगा, आपकी ब्लेसिंग का साल होगा, आपके मिरेकल का साल होगा, आपके फाइनेंसेस, आपकी जॉब, आपके पारिवारिक शांति का साल होगा, आपकी मैरिज की रेस्टोरेशन का साल होगा, आपके परिवार की रेस्टोरेशन का साल होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर की आवाज को कभी इग्नोर ना करें। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, यूहन्ना की अंजील, लेट्स रीड From the word of God, 10 अध्याय उसके 27 वचन में, John chapter 10 verse 27, यूहन्ना गॉस्पल में 10 अध्याय 27 में यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। कितने लोगों को सुना, कितने लोग विश्वास करते कि आप प्रभु यीशु की भेड़े हैं। भेड़ का काम होता है दूध देना, ऊन देना, भेड़ का काम होता है और भेड़ों को आगे जन्म देना। परमेश्वर चाहता है आप जन्म देने वाले हो, बोलो आमीन। आप प्रोड्यूस करने वाले हो, बोलो आमीन। आप आगे और लोगों को बचाने वाले हो, बोलो आमीन। आप और लोगों को और आशीषों को जन्म देने वाले हो, बोलो आमीन। आपकी इनकम सेम ना हो, बोलो आमीन। आपकी लाइफ सेम ना हो, बोलो आमीन।